Greeting everyone. My name is Kesh Dipak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindu News Analysis. So, चलिए देखते हैं कि कौन से कौन से articles that we are discussing today. So, the first article is on the aspects of an ransomware. अब यहाँ पर जो cyber attack हुआ है, जो कि AIMS के servers में हुआ है, so इसे जानने के लिए, समझने के लिए, we need to have a basic understanding of cyber attacks. तो यहाँ पर देखिए कि साइबर अटैक्स होता क्या है किस किस प्रकार के साइबर अटैक्स हो सकते हैं हर एक प्रकार के साइबर अटैक दूसरे टाइप के साइबर अटैक से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप और द दिवैंस ऑफ द साइबर अटैक्स किस किस इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे टारगेटेड होते हैं एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या ग्लोबल लेवल पे क्या क्या मेशर्स हैं सेफ हैं ताकि इस साइबर अटैक्स हम प्रिवेंट कर पाए उसे मिटिगेट कर पाए दैट वुड बी सींग इन आवर फर्स्ट आर्टिकल द सेकेंड आर्टिकल इज ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ

फुली रिस्टोर्ड बट काफी सारे डैमेजेस हैं जो कि वो एंटिसिपेट कर रहे हैं उसकी जो मिटिगेशन जो है उसके जो सेफ हैं जो प्रोसेस हैं दैट इज गोइंग ऑन बट द बेसिक एस्पेक्ट हेयर इज कि एम्स के जो सर्वर्स हैं वो अटैक किए गए थे थ्रू एन रैनसमवेयर अब यहाँ पर ये यह समझना जरूरी है कि रैनसमवेयर होता कैसे है होता क्या है एंड कैसे वो अटैक करते हैं एंड रैनसम एक मालवेयर से कैसे अलग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो लेट स्टार्ट विद द बेसिक्स इट अगर बात करें कंप्यूटर सिक्योरिटी की तो कंप्यूटर सिक्योरिटी इज दी प्रोटेक्शन ऑफ एन कंप्यूटर सिस्टम्स एंड इनफॉर्मेशन आपके जो कंप्यूटर्स हैं उसके जितने भी एसोसिएटेड सिस्टम्स हैं एफिलेटेड सिस्टम्स हैं उससे जितने भी रिलेटेड डाटाज हैं उन डाटाज के जो मेटा डाटाज हैं ऑल दिस कम्स अंडर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी अब जब भी कोई अटैक होता है देर इज एन अंडरलाइंग मिशन और एम अंडर दैट अटैक आइर उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है या उन्हें इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने से रोकना होता है या डिस्टर्ब करना होता है दैट इज अ बेसिक एम ऑफ एनी अटैक्स और ये जो अटैक्स होते हैं ये परपेट्रेटर्स जो हैं पर्टिकुलर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे टारगेट करते हैं फॉर एग्जांपल देर इज दिस डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी आपके बैंकिंग एंड फाइनेंस में वो टारगेट कर सकते हैं ताकि जो कंट्री की जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसे वो डिस्टर्ब कर पाए फूड एंड ग्रोसरीज को टारगेट कर सकते हैं ताकि फूड सप्लाईज आप डिस्टर्ब कर पाएं एनर्जी जिसे आप ब्लैकआउट कहते हैं जो कि आप मूवीज में जनरली देखते हो वैसे आप डिस्टर्ब कर सकते हैं डाटा एंड क्लाउड डिस्टर्ब कर सकते हैं स्पेस एजुकेशन ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन एंड हेल्थ दीज आर दी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एज ऑफ नाउ क्योंकि एरिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन इट इज द एरा ऑफ डाटा और इसके कारण ये जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है इन्हें जनरली टारगेट किया जाता है यूजिंग दिस साइबर अटैक्स एज ऑफ नाउ जो साइबर अटैक हुआ है दैट इज ऑन दी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री अब अगर साइबर अटैक्स की बात करें काफी सारे टाइप्स के साइबर अटैक्स होते हैं मोस्ट कॉमन वन इज नॉन एज एन मालवेयर अब मालवेयर होता क्या है सो so मालवेयर जो है वो एक एब्रीविएशन है इट इज शॉर्ट फॉर मलेशियसवेयर So, ये क्या है इट रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर कोई भी तरीके का सॉफ्टवेयर जो कि डिजाइन होता है ताकि वो डैमेज कॉज कर पाए आइदर टू एन सिंगल कंप्यूटर या टू सर्वर अब मालवेयर जो है वो रैनसमवेर के टाइप का ही होता है सो प्लीज रिमेंबर दैट रैंसम जो है रैनसम इज अ टाइप ऑफ मालवेयर इट्स सो अगर बेसिकली समझना चाहें अगर आप यहां पर डायग्राम के थ्रू समझना चाहें सो ऑल रैंसम आर मालवेयर बट ऑल मालवेयर आर नॉट रैंसमेयर प्लीज रिमेंबर दैट Ransomware जो है वो एक टाइप का मालवेयर है मालवेयर के काफी सारे सब टाइप होते हैं और जो है एक सब कैटेगरी है मालवेयर का जहां पर आप किसी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने से या डाइवर्ज करने से रोकते हो दैट इज देश ऑफ एन मालवेयर एट द सेम टाइम देर इज अनदर टाइप ऑफ अटैक जिसे आप फिशिंग कहते हो फिशिंग में क्या होता है फिशिंग इज एन मेथड जहां पर आप गैदर करते हो पर्सनल इंफॉर्मेशन यूजिंग डिसेप्टिव या वेबसाइट फॉर एक्साम्पल आपको काफी टाइम्स काफी सारे वेबसाइट्स में आपको लिंक्स दिखते होंगे जो कि चमकते होंगे या ई मेल्स आते होंगे जो कि ओरिजिनल ई मेल्स नहीं होते हैं सो so, ऐसे टाइप के जो डिसेप्टिव डिसप्टिवेल्स हैं जो कि सिमिलर ऑथेंटिक नेम्स को ही तोड़ मरोड़ के वो मेल करते हैं कि आपको फलाना जॉब एप्लीकेशन हो या लॉटरी हो दिस टाइप ऑफ अटैक्स इज नॉन एज फिशिंग अटैक्स देन देर इज एनडर टाइप ऑफ अटैक नॉन एज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जिससे हम लोग डेब्रिवेट करके कहते हैं डी डी ओ एस अटैक्स अब ये जो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स हैं ये एक तरीके का अटैक है जो कि कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं सिस्टम को शट डाउन करने के लिए या नेटवर्क को शट डाउन करने के लिए ताकि जो उनके इंटेंडेड यूजर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन या उनके जो वर्कस हैं वो इनएक्सेबल हो जाए या जो डाटा है वो इनएक्सेबल हो बेसिक एम ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस है तो यहाँ पर कैसे वो करते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यूपीएससी की सर्वर है या यूपीएससी की आपके वेबसाइट है तो फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी की जो वेबसाइट है वो इस तरीके से डिजाइन होती है कि एक पर्टिकुलर मोमेंट में 50 या 100 लोग उसे टारगेट कर पाए अब एज्यूम सिचुएशन जहां पर 50 या 100 लोग नहीं आके उसके टाइम पे 10,000 लोग 20,000 लोग अगर उस वेबसाइट को कहीं ना कहीं कर यूज करते हैं देन जो टारगेट है जो आपकी ट्रैफिक है इस वेबसाइट में वो काफी बढ़ जाएगी अगर ट्रैफिक बढ़ जाती है वेबसाइट में तो जो वेबसाइट है वो इसे कार्टर नहीं कर पाएगा वो उस डाटा को मैनेज नहीं कर पाएगा जो ट्रैफिक है वो फ्लड करेगा टारगेट को एंड क्योंकि फ्लड हो रहा है वो वेबसाइट इसके कारण वो जो वेबसाइट है वो क्रैश हो जाएगा जो कि आप काफी ऑफन गवर्नमेंट वेबसाइट्स में देखते हैं और इस टाइप के अटैक्स को अगर आप परपेट्रेट करते हैं अगर आप सिंथेसाइज करते हैं अगर आप मैनुअली बनाते हैं यूजिंग वेरियस टाइप टाइप ऑफ ऑफ या अदर इंस्ट्रूमेंट्स देन उस अटैक को आप कहते हैं एज डी डी ओ एस इज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स थर्ड टाइप ऑफ अटैक और नेक्स्ट टाइप ऑफ अटैक इज नॉन्न एज दी एम आई टी एम दैट इज दैन इन अटैक्स तो so, यहाँ पर क्या होता है यहां पर जो अटैकर है जो मैन है वो खुद इंसर्ट करता है इन बिटवीन द ट्रांजिशन ऑफ द टू पार्टीज सो यहाँ पर टू पार्टीज कौन है वन इज द अटैकर एंड द अदर वन इज द इंटेंडेड यूजर या द फाइनल यूजर अब यहां पर क्या करते हैं जो अटैकर है अटैकर ट्रैफिक के बीच में इंटरसर्ट करता है जो डाटा आप इंटर्न कर रहे हो या जो डाटा आप वेबसाइट में जो प्रोवाइड कर रहे हो उस डाटा को वो स्टील करते हैं या उस डाटा को वो मैन्युपुलेट करते हैं सच टाइप ऑफ अटैक्स इज नॉन एज द मैन इन द दिडल अटैक्स The next type of attack is known as SQL injection. अब यहां पर SQL injection को समझने के लिए first you need to understand की SQL होता क्या है So SQL जो है SQL is an abbreviation, एक short form है किसका Structured Query Language. अब ये जो language है ये एक तरीके का programming language है जो कि यूज किया जाता है टू मैनेज डाटा इन द डाटा बेसिस जो आपके डाटा बेसिस हैं उसमें जो डाटा हैं उसे मैनेज करने के लिए काफी सारे टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिमिलर टू पाइथन और जावा एंड ऑल सो सच टाइप ऑफ सिमिलर नेटवर्क और सिमिलर लैंग्वेज इज नॉन एज एस क्यू एल अब यहां पर आप क्या करते हैं यहां पर आप एक मलेशियस एस क्यू एल को इंसर्ट करते हैं इन वेबसाइट जब आप पर्टिकुलरली एक मलेशियस एसक्यूएल को इंसर्ट करते हैं वेबसाइट तो जो लैंग्वेज है आप एसक्यूएल उसे क्या कर रहे हो आप आप तोड़ रहे हो उसे आप मरोड़ रहे हो उसे आप ट्वीट कर रहे हो और उसे अगर लैंग्वेज जो है जिस लैंग्वेज से आप डाटा मैनेज करते हो उस लैंग्वेज को अगर आप ट्यूट करते हो तो जो इन्फॉर्मेशन आप डाइवर्स करने वाले हो या जो इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से आप मैनेज करोगे उसके कैरेक्टर को आप चेंज कर सकते हैं सो so यहाँ पर आप बेसिकली क्या करते हैं यहाँ पर जो लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप डाटा को मैनेज करते हो उस लैंग्वेज को ही आप चेंज कर रहे हो या एक कोड को आप उसमें इंसर्ट करते हो ताकि जो जनरली इस वेबसाइट्स नहीं दैट काइंडल इंजेक्शन अटैक एंड टाइप ऑफ अटैक इज नॉन एज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जिसे आप, आप करते हैं एक्स एस एस अब यहां पर जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है वो सिमिलर होता है एसक्यूएल इंजेक्शन का बट अगेन देयर आर डिफरेंस सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलिटीज आल्सो यहाँ पर अगर डिफरेंसेस की बात करें तो so बेसिकली यहाँ पर एक्सएसएस में क्या होता है कि आपकी जो अटैक है ये जो मैलिशियस कोड है वो एक्चुअली अटैकर को टारगेट करता है और यहाँ पर अटैकर से जो इंफॉर्मेशन जनरली आपकी यूजर्स जो विक्टिम्स हैं उन्हें नहीं देने चाहिए उनसे नहीं निकलवाते हैं वैसे इन्फॉर्मेशन को भी आप निकाल सकते हो या फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड हो गए आपके क्रेडिट कार्ड के informations हो गए कुछ भी वेबसाइट्स जो जनरली देने नहीं चाहिए वैसे इन्फॉर्मेश भी वो दे देते हैं बट यहाँ पर डिफरेंस इज दैट फ्रॉम एसक्यूएल इंजेक्शन कि एक्सेस में ये जो कोड है दिस टारगेट द यूजर वो विजिटर को डायरेक्टली टारगेट करता है एंड इट नॉट कीप्स इट सेल्फ टू देबसाइट एसक्यूएल में द लैंग्वेज इज बट एक्सेस में स्कोर फॉलोज दोज बिहाइंडर सो दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग एंड दूल इंजेक्शन लास्ट टाइप ऑफ अटैक इज नॉन्न एज सोशल इंजीनियरिंग अब सोशल इंजीनियरिंग इज ई मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अटैक जो कि हम लोग जनरली इंडिया में देखते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको काफी सारे कॉल्स आते होंगे कि आपको फलाना फलाना लॉटरी मिल गया या फलाना कार लॉन्ग आपको मिल जाएंगे आपको फलाना इंफॉर्मेशन देना होता है सी वी देना होता है अब इस टाइप के एस्पेक्ट जहां पर आप ह्यूमन इंट्रेक्शन को यूज कर रहे हो जहां पर एक आदमी आपको कॉल करता है और वो परस करने की कोशिश करता है कि आप सर या मैम आप इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करें और इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करके आप ये फैसिलिटीज दें

अब ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च हुआ था इंडिया 2018 जहां पर जो मकसद है दैट इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम एंड हम बिल्ड करें कैपेसिटी ताकि सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो हम डेवलप कर पाए सो so, यहां पर बेसिकली क्या है यहां पर जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एक आईटी डिपार्टमेंट होगा एक आईटी सब डिपार्टमेंट होगा जिसमें देर वुड बी एन चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जो कि उस डिपार्टमेंट के इंफॉर्मेशन को डाइवर्ज ना करने के लिए या अटैक से बचाने की काम करेगी या अगर इन केस ऑफ एन अटैक तो जो रैम्पिफिकेशन होंगे जो कॉन्सिक्वेंस होंगे उसे मिटिगेट करने की कोशिश करेगा बेसिक एस्पेक्ट ऑफ साइबर सुरक्षित भारत इनिशियटिव एन स्टेप एज द नेशनल साइबर सिक्योरिटी को जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोशन सेंटर है जिसे आप एन ट्रिपल सी कहते हैं दिस वॉज लॉन्च इन दिया ट्वेंटी सेवनटीन जहां पर जो मकसद था द एम इज टू स्कैन द इंटरनेट ट्रैफिक एंड कम्युनिकेशन मेटा डाटा अब मेटा डाटा क्या होता है मेटा डाटा अगर सिंपल वर्ड्स में डाटा so का जो डाटा है that is known as metadata, जो कि कहते हैं इंटरनेट so यूजर्स हैं? हैं, हैं, हैं उनको आप स्कैन कर रहे हो उनसे जो मेटा डाटा जनरेट हो रहा है उससे आप स्कैन कर रहे हो और इसके थ्रू आप क्या कर रहे हो आप डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो रियल टाइम साइबर थ्रेट्स को सो दैट इज बेसिक एस्पेक्ट ऑफ एन ट्रिपल सी देन देर इज ए साइबर स्वच्छता केंद्र सो साइबर स्वच्छता केंद्र क्या करेगा सो so यहाँ पर जो इंटरनेट यूजर्स हैं उसको वो एक अवेलेबिलिटी देंगे एक काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइड करेंगे जहां पर वो क्या कर सकते हैं वो आपके कंप्यूटर्स अपने कंप्यूटर्स को वो क्लीन कर सकते हैं या वाइप आउट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है या किसी भी टाइप के वायरस है या मालवेयर कोड है एनी टाइप ऑफ अटैक इज देर सो so, उसे हटाने के लिए उसे काइंड ऑफ क्लीन करने के लिए दिस सिस्टम इज देयर दिस सर्विस इज देयर जहां पर अगर आप जाएं तो आपका जो सर्विस है आपके जो कंप्यूटर्स हैं आपके जो नेटवर्क्स हैं उससे क्लीन किया जाएगा जो भी वायरसेस है, हैं ड्रोजन हैं मार्वेस है उसे स्ट्रिप ऑफ कर दिया जाएगा हटा दिया जाएगा दैट सिस्टम इज नोन एज साइबर स्वच्छता केंद्र देन देयर इज दिस आई व्हाट इज आई फोर इज द एब्रिविएशन ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो भी इन्फॉर्मेश दूसरे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तक पहुंचाने के लिए और रियल टाइम पे डाटा फ्लो करवाने के लिए देंटर इज देयर विच वॉन्च इन दर ट्वेंटी 2021 वन एंड देन एट लास्ट इज एस नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जहां पर आप साइबर क्राइम्स को रिपोर्ट कर सकते हैं एंड एंड दिस हैज पैन इंडिया इट इज़ वर्किंग नाउ दैट अब देखते हैं कि क्या 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 चैलेंजेस हैं ओके okay, हमने देख लिया कि मेशर्स बट इन मेशर्स के बावजूद भी, देख लिया कि क्या के भी काफी सारे में हो रहे हैं टाइम टू टाइम आवर आफ्टर आवर हो रहे हैं। so, क्या है इसकी ज दैट देर इज एन इंक्रीज यूज ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट बद ए पीपल सो यहाँ पर द नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ यूजर्स जो कि इंटरनेट यूज कर रहे हैं दैट हैज इंक्रीज एक्सपोनशियली जब नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ गए हैं तो उनसे जो डाटा जनरेट हो रही है दैट हैज ऑल्सो इंक्रीज जब नंबर ऑफ डाटा और द स्कोप ऑफ डाटा या वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा हैज इंक्रीज तो उसे मैनेज करने की कैपेबिलिटी भी हमें बढ़ानी चाहिए बट एज ऑफ नाउ हमारे जो मैनेज करने की कैपेबिलिटी है इज नॉट इंक्रीजिंग एट द सेम रेट एट विच द नंबर ऑफ यूजर्स या नंबर ऑफ डाटा इज इंक्रीजिंग और इसके कारण हम अप नहीं कर पा रहे हैं जो डाटा इंक्रीज हो रही है उसके साथ हम अप नहीं कर पा रहे हैं। और इस वजह से ही हमारे जो डाटा को मैनेज करने की कैपेबिलिटी क्चर so, पर फॉर एग्जाम्पल काफी सारे डिवाइसेस में या काफी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो इधर अपडेटेड नहीं होते मालवेयर होते हैं या वो आपके ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स नहीं होते हैं। अब जब अगर आप अपडेट नहीं कर रहे हो या ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स नहीं ला रहे हो तो so यहाँ पर जो भी मालवेयर हैं जो भी साइबर अटैक्स हैं वो आपको डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं बिकॉज अगर आपका ओरिजिनल है अगर सॉफ्टवेयर आपका ओरिजिनल है एट द सेम टाइम अगर आप उस ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को आप रेगुलरली अपडेट कर रहे हो दैट मीन्स दैट यू आर इंक्लूडिंग और यू आर रिमूविंग द बग्स जो कि उस कंपनी ने रिसर्च किया है या उस कंपनी ने डेवलप किया है टाइम टू टाइम बट आप जब अपडेट नहीं करते हो सो so आपके सॉफ्टवेयर में काफी सारे बग्स छुड़ जाते हैं और इस बग्स को या लूप होल्स को एक्सप्लोय करते हैं दिस टाइप ऑफ मालवेर कोड्स या दिस टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स Third issue here is that the most of the cyber attacks are not reported. इंडिया में इवन दो यूजर्स जो है इंटरनेट के वो इंक्रीज हो गए हैं बट जो अवेयरनेस है आपके साइबर अटैक्स की जो अवेयरनेस है दैट इज स्टिल लो और क्योंकि अवेयरनेस काफी लो है इसीलिए साइबर अटैक्स होने के बावजूद भी हम जनरली रिपोर्ट नहीं करते हैं और अगर हम लोग रिपोर्ट ना करें तो वो आपकी कंसर्न अथॉरिटीज तक पहुंच नहीं पाता है और कंसर्न अथॉरिटीज उससे रिटेलिएट्री मैकेजम जो है एक्शन जो, जो है वो नहीं ले पाते दैट इज नेक्स्ट चैलेंज Another challenge is that the scarcity of cyber security professionals. So यहाँ पर अगर बात करें this basically is talking at the leadership level. अगर हम लोग leadership level पर बात करें so वहाँ पर हमारे पास

किसी ना किसी एस्पेक्ट को देख कर या किसी कोई ना कोई रीजन को साइड कर, कर वो इंडिया जो है सिग्नेटरी नहीं हो रही है अब जब आप कन्वेंशन के बेसिक पैन वर्ल्ड पे अगर आप सिग्नेटरी नहीं होते हो सो यून गेट एक्सपर्टीज या द नॉलेज दैट दे वुड शेयर जनरली अगर आप सिग्नेटरी होते हो और इसलिए क्या कर रहे हो आप जो नॉलेज आपको मिलना चाहिए या जो एक्सपर्टीज आपको मिलना चाहिए या जो कैपेसिटी बिल्डिंग आप कर सकते हो वो आप उससे डिवॉइड हो रहे हो दैट इज वट इज इन इंडिया नाउ है नाउट विद दैट now let's move to our next aspect that is on the aspects of opec plus ab yahan par baat karte hain opec plus kya hai but jaise maine initially kaha opec plus mein jaane se pehle first you need to understand ki opec kya hai so let's start with the basics itself so what is opec so opec is an abbreviation of Organization of the Petroleum Exporting Countries. So यहां पर आपको नाम से ही पता चल जा रहा होगा कि यहां पर वैसे कंट्रीज हैं जो कि पर्टिकुलरली पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं सो इट इज एन परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्रिएट किया गया था ड्यूरिंग दी बगदाद कॉन्फ्रेंस ऑफ 1960 बाय ईरान इराक कुवैत, सऊदी एंड वेनेजुएला। सो आपको यहां से पता चल जा रहा है कि ऑल दीज कंट्रीज आर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज तो इसका मकसद क्या है इट एम्स टू मैनेज दप्लाई ऑफ दी ऑयल सो यहां पर सप्लाई जो है ऑयल का ऑल ओवर द वर्ल्ड उसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो प्राइस सेट कर पाए क्यों क्योंकि यहां पर द बेसिक एस्पेक्ट इज द एस्पेक्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड अगर आप सप्लाई को कंट्रोल कर पाए तो आप प्राइसेस या डिमांड के अकॉर्डिंगली जो प्राइसेस हैं उसको भी आप कंट्रोल कर पाएंगे सो so यहाँ पर आप सप्लाई को टारगेट करते हैं क्योंकि डिमांड इज ऑलवेज देर तो सप्लाई को आप टारगेट करते हैं ताकि प्राइसेस जो है वो

ऑपेक so, प्लस में क्या हो रहा है बेसिकली वैसे कंट्रीज जो कि नॉर्मली ओपेक के मेंबर्स नहीं है वैसे कंट्रीज के साथ ऑपेक कंट्रीज जो है उन्होंने एक अलायंस बनाया एंड दिस दिस बिगर ग्रुप ग्रुप ब्रॉडर इज ये जो OPEC Plus है इट वाज क्रिएटेड इन 2016 जहां पर ओपेक कंट्रीज ने डिसाइड किया कि वो एलाय करेंगे या वो एक ग्रुपिंग बनाएंगे विद अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो कि ओपेक के मेंबर्स नहीं है क्यों जरूरत पड़ी क्योंकि ओपेक के जो कंट्रीज हैं उन्होंने फील किया कि वो कही न कहीं ना कहीं सप्लाई जो है ग्लोबल ऑयल की उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और जब वो सप्लाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो प्राइसेस में जो पकड़ है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। And that is why उन्होंने एक बिगर मच मोर ब्रॉडर ग्रुप बनाया जिसे हम लोग कहते हैं ऑपेक प्लस तो यहां पर ऑपेक प्लस जो है एज ऑफ नाउ ऑपेक प्लस कंट्रोल्स मोर देनिफ्टी परसेंट ऑफ दर्ल्ड क्रूड सप्लाइज और क्योंकि इनके पास मोर देनिफ्टी परसेंट ऑफ दर्ल्ड क्रूड ऑयल सप्लाइज है इसके कारण ही उनपे उनमें बेटर पकड़ है when it comes to the price. इतने बेटर पकड़ है प्राइसिस ऑफ दम्स टू द इंटरनेशनल ऑयल मार्केट

ट्राइव कर पाएगा सो प्लीज एटम दिस क्वेश्चंस। अगेन बोथ दिस क्वेश्चंस जो हैं, दे आर कमिंग आउट ऑफ द करेंट अफेयर सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो चांस है में आने का वो काफी ज्यादा है सो प्लीज स्टार्ट एटम दिस क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस के जो आंसर है विद ड्यू एक्सप्लेनेशन वुड बी प्रोवाइडेड टू यून दम ऑफ एन पीडीएफ जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो पीपीटी है जिसके ऊपर हम लोग ने एनालिसिस किया, इन द फॉर्म ऑफ लिंक इन दी वीडियो डिस्क्रिप्शन इट सेल्फ सो प्लीज ट्राई टू अटेंड दिस क्वेश्चन रीड द डिस्क्रिप्शन ट्राई टू स्टडी सो वर्क हार्ड स्टडी हार्ड बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे सेफ यू डूइंग द सेम फॉर यू गैस सी टूमोरो